यूथ कॉर्नर आज आ पहुंचा है शाहगंज विधानसभा 365 में और यहां पे जानेगा क्या है जनता का मन। हम आ पहुंचे हैं काशीराम आवास योजना शहरी शाहगंज में और यहां से मात्र 500 मीटर पर आप देख रहे होंगे आजमगढ़ 57 किलोमीटर यहां से दर्शा रहा है। 500 मीटर पे आजमगढ़ है और हम आगे बढ़ते हैं और आम जनता से जानते हैं क्या है यहां का अगले विधानसभा में शाहगंज का रुझान। भैया अगली सरकार आपकी सरकार। हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां की जनता से देखेंगे कि क्या है इनका मन अगले विधानसभा में या किसको पसंद करते हैं। कहाँ से भैया अगली सरकार आप किसकी चाहते हैं? अखिलेश चाहते हैं भैया। अखिलेश को? क्यों? अच्छे हैं और क्या। ये जो सरकार वर्तमान में है ये नहीं सही इसीलिए कह रहे हैं अच्छे हैं। इसमें क्या कमियां हैं? अरे कमियां हैं अब क्या सारे अब कमियां क्या बताएं आपको। हाँ हम अखिलेश को चाहते हैं। तो ये अखिलेश यादव को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अगली सरकार अखिलेश यादव की आए। आप किसको चाहती हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बता रही हैं। अगली सरकार किसकी चाहते हैं आप? अगली सरकार सपा एवं भाजपा की चाहते हैं। अगली सरकार भाजपा की चाहते हैं। चाचा आप अगली सरकार किसकी चाहते हैं? अरे अभी समय है अभी कैसे बता। अभी तैयारी शुरू हो चुकी ना, है ना अभी हम नहीं बता पाएंगे जब तक एक हफ्ता रहेगा तब बताएंगे। क्या महंगाई असर कर रहा है जिंदगी में? वो कुल होने वाला है महंगाई महंगाई कम नहीं होने वाला चाहे जे आ जाए। हाँ अभी अब वोटर नहीं हो किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो अभी हम इसके बारे में अभी हम बता नहीं पाएंगे। चलिए मतदाता क्या होते हैं जानते हो? मतदाता वही वोटर ना। वोटर वोटर अभी नहीं बने हो? जी नहीं। चलिए अभी यह वोटर नहीं है इसलिए रुझान नहीं ले रहे हैं। अगले चाहते हैं सपा की सरकार होगी अगली। सपा क्यों? क्योंकि इसलिए सपा हम लोग के लिए बहुत काम जनता के लिए भी बहुत काम की है। आने वाली वाली सरकार जो वर्तमान सरकार है खाली वो वादा की सरकार है। महंगाई आपके किचन को क्या असर कर रहा है? बहुत असर है महिलाएं अपना बजट बना नहीं पा रही हैं महंगाई के हिसाब से। जी शिक्षा का क्या स्तर है सागर में? शिक्षा का स्तर तो जब से कोरोना काल चला तो एकदम गिरा हुआ है उठ ही नहीं रहा। जो शिक्षा पे सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार शिक्षा फोकस ही नहीं कर पा रही है बच्चे एकदम बेकार हैं। तेल का दाम 10 रुपये कम हुआ है? वो क्या जब 70 से 108 हो गया तो अगर 5 रुपये कम करके क्या किए। तो आपका कहना है कि अगली सरकार हम सपा की चाहते हैं। वर्ग से पूछते हैं कि यह अगली विधानसभा में किसको पसंद करते हैं और राज्य में किसको पसंद करते हैं और प्रत्याशी को हम मतलब कि राज्य में आने वाली सरकार आप किसकी चाहते हैं? श्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि वो जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनके सत्ता में मतलब बहुत स्टूडेंट को बहुत फ्रीडम मिलता है। इस समय में कोई भी वैकेंसी आ रही वैकेंसी टल जा रही है। मैंने UPSI का डाला था उसका 20 तारीख किसी में पेपर था वो भी टल गया तो उनके सरकार में जो वैकेंसी आती है फाइनल हो जाती है। योगी जी कहते हैं कि हम युवाओं के हितैषी हैं और पूरा प्रदेश स्मार्ट सिटी हो गया है पर आप योगी जी को डायरेक्ट नकार दे रहे हैं। नहीं योगी जी मान लो वो भी तो अपने जगह पे ठीक ही हैं पर मतलब योगी जी कहाँ कहाँ के देखेंगे यहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग मतलब कुछ अपने साइड से करते हैं उनके बात को कोई मान ही नहीं रखते हैं। तो इनका कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता मनमानी करते हैं और उन्हें दरकिनार कर देते हैं जिसके वजह से भाजपा की छवि निरंतर बिगड़ती जा रही है और अगली सरकार हम सपा की चाहते हैं। दीपक है लेकिन दीपक में तेल डालने के लिए किसी के पास पैसा नहीं ना तेल है। आपकी सरकार यहाँ पे बनेगी तो आप विकास का कौन सा मुद्दा या कौन सा एजेंडा लेकर आप? मैं दोबारा फिर बता दूँ बिजली पूरी तरह से फ्री रहेगी 24 घंटे लाइट रहेगी। अगर 24 घंटे लाइट मिलेगी तो कौन सी ऐसी फैक्ट्री है कंपनी है जिसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा रोजगार नहीं बढ़ेगा जिसकी आय नहीं बढ़ेगी।
हमारे यहाँ रोजगार देने की गारंटी भी दी जा रही है, बिजली 24 घंटे आने की भी गारंटी दी जा रही है, पूरी तरह से चिकित्सा फ्री रहेगी, महिला यात्रा फ्री रहेगा, क्या चाहिए? जनता का टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खुशी खुशी पूरा माननीय केजरीवाल खर्च कर रहे हैं और यहाँ भी खर्च करेंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, विकास नहीं हो रहा है, जैसा कि हमारी सरकार दिल्ली में बिजली फ्री की है, पानी फ्री की है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, नगरीय क्षेत्रों में ठीक है बिजली पानी फ्री किए हैं, लेकिन तमाम वहाँ जो है ऐसी सुविधाएँ हैं जो नहीं हैं आज। लेकिन उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, हम ठीक है बिजली तो यहाँ लोग गाँव में कोई कनेक्शन नहीं लिया है, सही चीज़ है, केवल घोषणा नहीं है, और बिजली लोग वैसे पूरी तरह फ्री जला रहे हैं, और फैक्ट्री में कोई बिजली फ्री नहीं किया है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पूरे देश की कोई भी नगर क्षेत्र हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे कोई प्रदेश हो, कहीं बिजली फैक्ट्रियों में नहीं फ्री है। अगर कहीं किसी प्रदेश ने फ्री भी किया है तो वो केवल घरेलू बिजली फ्री है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बिजली जो है गाँव में भी फ्री लोग जला रहे हैं, केवल घोषणा नहीं है। लेकिन हमारी भी सरकार बिजली जो है फ्री की घोषणा, इसी चुनाव में आप देखिएगा कि अगले जो 2022 का चुनाव होगा उसके बाद बिजली फ्री रहेगी। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर बिजली मुफ्त हो जाएगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा, कल कारखाने चलेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना है? नहीं, रोजगार आप बताए, बिजली घरेलू फ्री होगी, पूरा फैक्ट्रियों फ्री होगी, कोई जो है कमर्शियल कनेक्शन फ्री नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या बिजली कमर्शियल फ्री होगी? आप हर नहीं, नहीं, उनका कहना सही है, कमर्शियल नहीं, ये घरेलू फ्री होगा, लेकिन तो घरेलू से रोजगार कैसे बढ़ेगा? 24 घंटे अगर लाइट मिलती है तो जो कमर्शियल है बिजली बिल भले देगा, लेकिन उत्पादन उसका बढ़ेगा कि नहीं? उसका उत्पादन बढ़ने से उसकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। देखिए, कभी भी कोई भी मशीन चलती है 24 घंटे तो कोई काम करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा ही। इनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस भयानक महामारी जो पूरे देश में चली कोरोना काल में, हम लोगों ने अनाज फ्री किया और तमाम प्रकार की जो योजनाएं थी, वैक्सीनेशन हम लोगों ने फ्री करवाया, इसके बारे में आप क्या कहना है? इन्होंने गैस सिलेंडर भी फ्री बांटे थे, उस समय 334 रुपये एक सिलेंडर था विद भराई, आज की स्थिति देख लीजिए, एक एक दिन में 200 250 पार कर जा रहा है, ये बताइए आम जनमानस कैसे उसको वहन कर पाएगा? फ्री तो उन्होंने किया था, लेकिन कहाँ फ्री हुआ? जनता से पूछिए, बताए कि 1800 रुपया वसूल किए लोग। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, इसके पहले भाजपा की सरकार आने के पहले गैस सिलेंडर 334 में मिल रहा था और इस समय 1050 के आसपास मिल रहा है। देखिए, इनको सही पता नहीं है, 334 में सिलेंडर नहीं था, उस समय भी 450 रुपये में था। उसके बाद जो है, अगर आपसे बता दिए ना, पेट्रोलियम भी गैस भी पेट्रोलियम में ही आता है, अगर उसका रेट बढ़ा है तो आज सुविधाएं देखिए कि जो टीका पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो पोलियो का रहा हो, चाहे वो टिटनेस का रहा हो, चाहे टीबी का रहा हो, जो आज 2500 साल से लग रहे हैं और अभी 100 करोड़ तक नहीं पहुंचे हैं, आज हमने तो 2 महीने के अंदर 100 करोड़ पार कर दिया। और इतना महंगा टीका, जहां पूरा विश्व जो है आज कोरोना महामारी से जूझ रही थी, इस तरह का आंकड़ा, और जहां और देशों में पैसे लेकर लगवा रहे हैं, जानते हैं आज हर चीज़, जितने भी चाहे कोई खाद्य सामग्री हो, चाहे जो चीज़ हो, हर चीज़ जो है बहुत ही उचित दाम पर है। इसका ताज़ा प्रमाण है, आप देखिए धनतेरस पे, आज तक पिछला इतिहास देख लीजिए, कभी किसी वर्ष के धनतेरस में जिस तरह से मार्केटिंग आम जनता ने किया है, जिस तरह से दुकानदारों की बिक्री हुई है, उस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ था। अगर महंगाई होती तो आप खुद सोचिए कि अगर महंगाई होती, लोग परेशान होते, तो क्या इस तरह से खरीदारी करते? जनता तो हर जगह बराबर कर रही है कि इस समय महंगाई चरम सीमा पे है, अपने तेल लगातार बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल में वृद्धि होती जा रही है और गैस के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो यह महंगाई नहीं है तो क्या है? देखिए, तेल का जो दाम है, तेल हमेशा इस सीजन में जब सरसों खत्म होता है तो कुछ बढ़ता है, लेकिन आप तेल के अलावा अभी देखिए, एक महीने बाद जब सरसों हो जाएगा किसानों के पास, निश्चित रूप से तेल का दाम घट जाएगा। और महंगाई अगर होती तो, मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि अगर महंगाई आम जनता नहीं कह रही है, कोई हम लोग जो है बूथों पर जाते हैं, गांव में जाते हैं, कोई नहीं कह रहा है कि बहुत महंगाई, महंगाई केवल विपक्ष कह रहा है कि बहुत ज़्यादा। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष जो है केवल महंगाई का जो है अनर्गल प्रलाप कर रही है।
कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। और आम जनता में कहीं आप गरीब में चाहे बैठ के देख लीजिए, आज योगी मोदी जो है जय जयकार कर रहे हैं लोग, और उनसे अच्छा सरकार जो है चाहे आप पूर्ववर्ती सरकारों को देख लीजिए, कोई सरकार नहीं चलाया है। ये सागंज में यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, जो लगभग यहाँ से 4 पंचवर्षीय विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी से मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ का शिक्षा का स्तर जो है बहुत निम्न रहा है, क्यों? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो विधायक केवल जो है अपने जो जातिवादी समीकरण उनका है, जाति बिरादरी वोट जो है इकट्ठा करना, गांव में जो है झगड़ा विवाद कराना, पार्टीबाजी करना, और विकास तो वो 4 साल में वास्तव में अगर देखा जाए, वो अगर अपने ही मतदाता का विकास किए होते तब भी निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में बहुत विकास हुआ होता, लेकिन विकास के नाम पर 4 साल में वो बिजली मंत्री भी यहाँ रहे, कहीं नहीं बता सकते कि मैं किसी यादव बस्ती में बिजली खिंचवा दिया, कहीं जो है हम ट्रांसफार्मर यादव बस्ती में लगवा दिए, कहीं मुस्लिम बस्ती में लगवा दिए, जो उनके मूल वोटर हैं वो। सपा कहती है कि योगी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन गया, लेकिन सच्चाई खंडहर है। देखिए, ये तो विपक्ष कहता है, सपा चाहे जो कहे, लेकिन आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में सीटियां जितने भी शहर हैं, आप चाहे बनारस देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद देख लीजिए, चाहे मथुरा देख लीजिए, चाहे काशी देख लीजिए, चाहे अयोध्या देख लीजिए, हर जगह से स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय मोदी जी का जो अभियान था उस माध्यम से आज पूरे देश में स्वच्छता के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज उसी का ये नतीजा है कि आज जो गरीब लोग वर्ष में 10,000 रुपया अपने छोटी मोटी बीमारी में खर्च करते थे, आज उनका वो बच रहा है, छोटी मोटी बीमारियों से हम लोग निजात पाए हैं। हाँ, कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई और उसके तहत जो है निश्चित रूप से 2 साल का जो समय था आम जनता का, सरकार का, उसमें जो है निश्चित रूप से क्षति हुई है, और उस इतनी बड़ी महामारी के बाद भी आज पूरे प्रदेश में किसी क्षेत्र में कोई काम बाधित नहीं है। सागंज विधानसभा के वर्तमान विधायक जो निरंतर 4 बार से विधायक हैं, उनका कहना है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने के लिए हमने बजट या फिर ऑक्सीजन के लिए हमने मांग किया था, पर डीएम प्रशासनिक अधिकारी जैसे ने हाथ खड़ा कर दिया। देखिए, ऐसा वो कह रहे हैं, उनके पास निधि थी और निधि के माध्यम से अगर उस समय चाहते हैं तो तुरंत जो है और विधायक हमारे चाहे वो सदर के रहे हो चाहे बदलापुर के रहे हो, उस महामारी में जनता के बीच में खड़ा होकर और ऑक्सीजन जो कमी थी उस समय उसको पूरा करने में बहुत बड़ा सहयोग वो लोग किए हैं। आपका विपक्षी पार्टी सागंज विधानसभा में कौन है? विपक्षी पार्टी तो समाजवादी पार्टी ही है। आखिर आम आदमी पार्टी, सपा वेटिंग में है, बसपा अपने प्रत्याशी घोषित कर दी है, पर केंद्र तक सत्ता में काबी इतना विलंब क्यों कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, 6 अप्रैल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 6 अप्रैल 1980 से आज तक चाहे जितने विधानसभा, लोकसभा या निकाय के चुनाव हुए हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जनता का शोषण, प्रत्याशी का शोषण नहीं कराना चाहती कि हम बहुत पहले से प्रत्याशी घोषित करके जनता को भी परेशान करें, प्रत्याशी जहां जाता है उसकी व्यवस्था करना, वो लोग जिसके घर चले जाएंगे वहां चाय पानी, वो गरीब आदमी है पता चला उसको व्यवस्था करने में हजारों रुपए खर्च करना पड़ता है, ऐसा काम जो है भारतीय जनता पार्टी कभी जो है नहीं सोचती न करने के पक्षधर।